हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं आलू और सोयाबीन से कुछ टेस्टी सा नाश्ता। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो एकदम बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप लिया है सोयाबीन। इसको मैंने आधे घंटे पहले एकदम गर्म पानी में फूलने के लिए डाल दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बॉईल कर सकते हैं, एक उबाल इसमें दे सकते हैं, या फिर दो तीन घंटे पहले भी आप इसको फूलने के लिए डाल सकते हैं नॉर्मल पानी में। तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको दो तीन बार अच्छे से धो लिया है। अभी हमने इसको इस तरीके से निचोड़ लेना है, अच्छे से सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। तो अब यहाँ एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच से डाल दिया है तेल, और साथ ही इसमें डाल दी है थोड़ी सी लहसुन और अदरक, और जो सोयाबीन हमने धो के रखा हुआ था उसको अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल के इसमें हमने डाल देना है। साथ ही यहाँ पे मैंने दो तीन हरी मिर्च डाल दी है, और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, बढ़िया से इसको भून लेना है। इस तरीके से बनाते हैं ना तो सोयाबीन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से भुन गया है, तो इसको हमने ठंडा करना है और ठंडा करके पीस लेना है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, और यहाँ मैंने फिर उसी कढ़ाई में डाल दिया है दो कप से पानी। तो ये दो कप पानी इसमें डाल दिया है, और यहाँ मैंने इसमें दो चम्मच से डाल दिया है तेल, और साथ ही डाल दिया है नमक टेस्ट के हिसाब से, और डाल दिया है थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, और एक छोटी चम्मच से अजवाइन इसमें मैंने डाल दिया है। और अच्छे से अब हमने इसको उबाल लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी उबल गया है, तो मैंने एक कप से लिया है चावल का आटा, और अभी मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ, और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। या तो ऑफ़ कर दीजिए या फिर गैस का फ्लेम एकदम स्लो पे कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑफ़ करने के बाद ही ये एकदम अच्छे से पक जाता है, अच्छे से ये हो जाता है। मैंने बिल्कुल ही गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया था, और ये देखिए बढ़िया सा ये डो जैसा बन गया है। इसको अब एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो इसको ढक के रख देंगे, और ऐसे ही इसको ढक ढक के ही ठंडा होने देंगे। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं, और तब तक बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो उबले हुए आलू जिसको कि मैश कर लिया था, और अब यहाँ पे एक कढ़ाई में एक चम्मच से डाल दिया है सरसों का तेल, और तीन चार सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे से लाल मिर्च भुन गई है, और इसको हमने तेल के साथ ही डाल देना है आलू के ऊपर, और तुरंत ही इसको ढक देंगे। बस एक मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद जो मिर्ची ली है ना उसको निकाल लेंगे इसमें से, और जो हमने सोयाबीन लिया था उसके साथ ही मिर्ची को भी पीस लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये पीस गया है, और जो आलू है उसी में हमने सोयाबीन को मिक्स कर देना है इसमें। तो ये आलू में डाल दिया, और साथ ही ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और नमक थोड़ा सा डाल देंगे बस। इसमें और कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे, बस सिर्फ नमक डालेंगे। इतने ही से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार आप बना के ट्राई कीजिएगा ना, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो बहुत ही टेस्टी सा मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है, और इधर जो हमने चावल वाला आटा बनाया था वो भी देखिए हल्का हल्का ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा नहीं है, हल्का गर्म है अभी। तो इसको हमने फिर से अच्छे से मसल के एकदम चिकना कर लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा इसमें मार सकते हैं, और बढ़िया से इसको चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको गूँथ लिया है, फिर से बढ़िया से चिकना कर लिया है। अब थोड़ा सा हमने लोई ले लेनी है, और इस तरीके से हथेली पे ही हम इसको फैला देंगे, और जो हमने सोयाबीन और आलू का मसाला बना के रखा हुआ है वो इसके बीच में रख देंगे, और अच्छे से इसको कवर कर देंगे, और अपनी पसंद के हिसाब से इसको शेप दे देंगे। मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ, आप इसको चाहे तो गोल बना सकते हैं, या फिर कोई भी शेप आप दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो ये एक बन गया है, इसी तरीके से हम बाकी भी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, और बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं, क्योंकि चावल का है तो एकदम तलने में बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो चाहे तो इस तरीके से आप इसको सिंपल गोल बना के भी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद हो और सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा ही बना लिया है,
तो अब इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गरम कर लेंगे और उसमें हमने डाल देना है जितना पीस आराम से आ जाए, और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तभी इसको पलटेंगे। एकदम लगातार तेल में डालते ही नहीं चलाना है, और हाई फ्लेम पे ही इसको थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से पका लेंगे। जब ये दोनों तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तब हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। एकदम कम गरम तेल में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फटने लगेगा, इसलिए इसको तेज़ आंच पे ही थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही थोड़ा सा पक गया था तेज़ आंच पे, मैंने फिर इसको मीडियम आंच पे अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छे से ये देखिए बढ़िया सा कलर भी आ गया है और अच्छे से ये पक चुका है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही कम तेल में ये फ्राई हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।